शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहती हूँ। तो ये है एक हैप्पी फैमिली। इसमें पति पत्नी और उनके दो बच्चे बड़े खुशी से रहते हैं। हर किसी के सपने होते हैं, तो इनके भी कुछ सपने हैं, जैसे कि एक बड़ा मकान खरीदना, एक गाड़ी खरीदना और अपने बच्चों को अच्छी खासी शिक्षा दिलाना। तो दोस्तों, ये सब मिलजुल कर अपने फैमिली में खुशी से रहते हैं। इनका जीवन आनंददायी है। परिवार के यह सदस्य हर रोज की तरह एक दिन ऑफिस निकल पड़े। ऑफिस जाते समय रास्ते में उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा कर इनका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बड़ी सी इंजरी होने के कारण ऑपरेशन भी कराना पड़ा। ऑपरेशन के बाद में परिवार वालों के हाथ में आया बिल। बिल की अमाउंट थी 5,90,000 रुपए। तो परिवार वाले चिंतित हो गए, अब इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाएंगे। उसके बाद ऑफिस से लोन लेके, अपने सेविंग्स निकाल के, अपने गहने गिरवी रख के वो बिल अमाउंट भर देते हैं। उसके बाद अस्पताल से ठीक होने के बाद घर लौटकर उनको फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, जैसे कि अपने सेविंग्स बढ़ाने होंगे, गहने जो गिरवी रखी है उनका ऋण चुकाकर वो वापस लाने पड़ेंगे, उसी के साथ ऑफिस से जो कर्जा लिया है उसको भी चुकाना पड़ेगा। इस एक्सीडेंट की वजह से उस परिवार वालों को बहुत सी कठिनाइयां और परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका जीवन पहले जैसा कुछ सालों तक अब नहीं रहेगा। तो दोस्तों, असल में ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लोन लेना, गहने गिरवी रखना और अपनी सेविंग्स निकालना, ये चीजें हुई ही नहीं, क्योंकि इन्होंने एक अच्छे प्लानिंग के जरिए अपने परिवार को सुरक्षित किया था। तो उसी के कारण ये जो अस्पताल का 5,90,000 बिल जो था वो उसी के सामने जीरो साबित हो गया। तो ये कैसे हुआ? इन्होंने अपने जीवन में सब कुछ जब ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था, तब अपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली थी। उसी के माध्यम से वो जो अस्पताल का 5,90,000 का बिल था वो भर दिया गया। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में जब अच्छा खासा चल रहा हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो, तभी हमें अपने आगे के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना हम कैसे कर सकते हैं, उसका भी प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। उसी की वजह से तो हम बाहर निकल सकते हैं उस समस्याओं से। तो दोस्तों, मेरी सलाह आपको है कि आप एक अच्छे एडवाइजर से आपके परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर करवा लें।